हाँ जी, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, अच्छे ही रहे ना। इस टाइम अपडेट अभी सुबह के 11:45 हो गया और मैं घर से निकल गया हूँ। यहाँ पर लोकेशन थोड़ा अच्छा था तो मैंने यहाँ पर आके शूट करने का सोचा। अच्छा लग रहा है लोकेशन, अच्छा लग रहा है ना। तो आज हम करेंगे हमारा टाइगर पर कुछ मॉडिफिकेशन, क्योंकि मेरा टाइगर कुछ दिन पहले गिर गया था। मैंने नहीं गिराया था बट किसी और ने गिरा दिया था। तो आज का हम करेंगे हैंडल बार चेंज, इंडिकेटर टूट गए, इंडिकेटर चेंज करेंगे। और आपको लग रहा होगा मैं हेलमेट में क्यों बात कर रहा हूँ कि विंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए ईयरफोन लगा के, क्योंकि ईयरफोन का एक यहाँ पर है तो पूरा अंदर में करके मैं आया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड आ रहा था इसलिए अभी हेलमेट में बात करना पड़ेगा, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा है, आपको सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपको दिखाते मैं क्या क्या लेके आया हूँ, अनबॉक्सिंग करते हैं और लगाने के लिए जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइगर, तो यहाँ पर मैंने हैंडल बार बांध दिया क्योंकि बैग पर नहीं आ रहा था, तो इसलिए हैंडल बार ये है। 500 का पड़ा है हैंडल बार मुझे, और ये सीट कवर है, सीट कवर हम मुझे पड़ा है आई थिंक 400 का। और यहाँ पर है इंडिकेटर, आप देख सकते हो ये 300 का पड़ा है मुझे। और ये हैंडल पर लगता है क्योंकि इस पर वो वाला नहीं है जो यहाँ पर एक सेंटर में एक रहता है, तो ये यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लगाएंगे। और ये हैंड गार्ड जो यहाँ पर लगेगा, और ये था मेरा पहले का हैंडल बार, और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर पूरा लग गया है, ये पूरा बैंड हो गया रखा एक साइड पर, आपको पता नहीं चलेगा वैसे तो, बट ये पूरा बैंड है। और आप इंडिकेटर देख सकते हो, आगे का इंडिकेटर पूरा टूट गया और यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच हुआ है। और पीछे का इंडिकेटर आपने तावांग लाइट पर देखा होगा, टूट गया था और फिर से लग के वापस टूट गया, वो यहाँ से टूटा था अभी यहाँ से टूट गया, आप लोग देख सकते हो। तो आज इसको इंस्टॉल करेंगे अपने टाइगर पर, और अपना टाइगर कितना मस्त लग रहा है। आया था इसको मैं धो के लाया था तो मस्त लग रहा है, बहुत चमक रहा है ना। तो अभी चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं, और कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है वो आपको व्लॉग पे आगे पता चलेगा, और व्लॉग पर बने रहिए। तो आपको लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। ये सिंचुंग का सामने है, तो चलते हैं अभी डायरेक्ट मोटो व्लॉग सेटअप पर आते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, अभी फिर हम आ चुके हैं मोटो व्लॉग सेटअप पर, और मैं अभी 1 महीने बाद अभी मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था क्योंकि पूरे स्टोरेज फुल था, तो इसीलिए आज डेट है 6 फरवरी, और मौसम थोड़ा खुला है क्योंकि बहुत दिन से मौसम खराब था, फाइनली आज थोड़ा धूप निकला है। तो मौसम अभी भी खराब ही है, आप वहाँ पर देख सकते हो काले बादल है, यहाँ पर थोड़ा सा खुला है, तो ठीक है व्लॉग करने के लिए मौसम परफेक्ट है, क्योंकि गर्मी भी नहीं है ठंडी भी नहीं है। तो आपको हैंडल बार टेढ़ा लग रहा है, नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। इसी व्लॉग में हम बहुत सारा बात करेंगे हमारे टाइगर के बारे में। तो आपको तावांग सीरीज कैसा लगा, जिसने देखा होगा आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, जिसने नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अरे सीरीज का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो व्लॉग को। अबे यार क्या कर रहे हो, आराम से आ जाओ, देख के तो आ सकता था, अभी भी ओवरटेक करते हो देख के करना चाहिए, देखिए कैसे आ रहा था, अभी मैं स्लो नहीं करता तो एक्सीडेंट होने का चांस था। ओवरटेक कर रहे हो ना तो देख के ओवरटेक करो आप सब, क्योंकि आपका एक्सीडेंट तो होगा ही होगा और दूसरे वाले का भी एक्सीडेंट होगा, और टर्न में तो कभी ओवरटेक करना ही नहीं, ठीक है आप सबको। अब इसको पता नहीं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के हैं ना जो ओवरटेक करते बहुत खतरनाक बेंडिंग मारते, पर मुझे इतना शौक नहीं है वो सबका, हाँ थोड़ा मोड़ा करता हूँ बट उतना नहीं जितना बॉयस का सब करते हैं, उतना तो मैं बेंडिंग नहीं करता, और मुझे इतना पसंद भी नहीं है बेंडिंग करना क्योंकि मुझे डर लगता बहुत। अबे यार गिराओगे क्या मुझे, अबे यार बंद है तो यहाँ पर होगा। ए बाइक का काम होगा क्या, बाइक का काम होगा, बंद है वहां पर। हाँ तो अभी हमें मुमतिला जाना पड़ेगा या रूपा, चलो आगे जाके देखते हैं, अभी ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा। शिट यार यहीं पर हो जाता तो सही था, और बाइक में फ्यूल भी कम है, आगे पर पेट्रोल पंप था मैंने डाला नहीं, तो एक बार रूपा जाके चेक करते क्योंकि रूपा सामने पड़ेगा हमें। ये है रूपा, छोटा सा ही जगह है बट ब्यूटीफुल है, यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट। तो ये है रूपा ब्रिज, मैंने सुना था यहाँ पर पार्किंग करना मना है बट यहाँ पर तो गाड़ी पहले से पार्क करके रखा है। टाइम है अभी
हैंडल चेंज करना है और इंडिकेटर भी, ये क्या बोलते हैं यहाँ में चेंज 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 होगा मतलब कट होगा, चेंज कट होगा, चेन कट होगा, कट कर छोटा करेगा सकेगा यहाँ में नहीं करे, टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ पर 1 आवर लगेगा बोल रहे, और ब्रेक पेड भी नहीं यहाँ पर, तो आगे में और एक है वहाँ पर पूछ लेते, अगर वहाँ पर भी नहीं होते तो हम लोग बोमदिला चलते हैं, क्योंकि बोमदिला पर मैंने कॉल किया था कल ही, वहाँ पर तो है, हिमालयन इतना है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए जल्दी सामान भी नहीं मिलता यहाँ पर। ब्रेक पेड है क्या हिमालयन का? हिमालय का ब्रेक पेड है आगे का? कितना टाइम लगेगा बच्चों, कितना टाइम लगेगा? यहीं बैठ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ब्रेक पेड मिलता है तो यहाँ से लगा लेंगे, जो भैया है यहाँ का लंच करने के, तो आने के बाद देखते हैं, 10-15 मिनट लगेगा बोला है, तो ब्रेक पेड मिलता है तो ब्रेक पेड लगा देंगे, और यहीं पर हैंडल बार चेंज करके चेन का भी दिन कर लेंगे, अगर चेन होता है तो वो भी कर लेंगे, देखते हैं, वेट कर लेते, ठीक है। तो कुछ इस तरह हो गया है हमारा ब्रेक पेड का हाल, और यहाँ पर बन रहा है हमारा बाइक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद चेन यहाँ पर कट नहीं होगा क्योंकि उसके पास सामान नहीं है, कल तरफ आएगा तो कल तरफ हम करेंगे उसका काम। तो अभी पहले हैंडल को चेंज करेंगे, ब्रेक पेड चेंज हो गया है, हैंडल को लगाते हैं, ये हमारा न्यू हैंडल जो मस्त लग रहा है, लगाने के बाद देखते हैं कैसा होता है, कुछ कुछ काम खुद को भी सीखना चाहिए, बाइक सिर्फ चला के नहीं होगा, खुद को भी कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये चेन साफ कर रहे हैं अभी, अभी हमारा हैंडल को छेद करने, क्योंकि इस पर यहाँ पर छेद है, तो ये नया पर नहीं है, तो आगे में जाके छेद करते, ठीक है। अभी होल हो गया यहाँ पर, अभी जल्दी से जाके फिट करते बाइक पर। अभी हमारा हैंडल लग गया है, तो अभी इंडिकेटर लगा रहे, आगे का यहाँ का खोल दिया है, अब पीछे का आगे में लगाएंगे, और पीछे में नया इंडिकेटर लगाएंगे। मेरा फ़ोन का बैटरी ख़त्म होने वाला है, तो अभी हमें चार्ज कर लेते, वहाँ पर लग रहा है अभी बाइक का इंडिकेटर का काम हो रहा है, अभी भी चार्ज कर लेते, उसका आपको दिखाते आगे, ठीक है। हाँ जी, अभी हमारा हैंडल बार लग चुका है, और आप देख रहे हो टाइगर का लुक कितना अच्छा आ रहा है, तो हैंडल बार फाइनली लग गया हमारा, तो वायरिंग का काम चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया है, अभी 3:45 हो चुका है, तो अभी मौसम आप देख रहे हो पूरा काला हो गया अभी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, आफ्टरनून के बाद मौसम ऐसा ही होता है, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और हैंडल बार मस्त लग रहा है अभी, चलाने में भी कंफर्ट है, मैं चला के आया ऊपर से अभी, तो मस्त लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है बाइक चलाने में, और लुक्स तो क्या बताऊँ, बहुत ही मस्त लग रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा भगा के देखते हैं, यहाँ में सीधा रोड है, तो देखते हैं हैंडल बार कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि थोड़ा कर्व है तो मज़ा आ रहा है भगाने में, थोड़ा हाइट कम है तो अच्छा लग रहा है, हैंडल बार सेकेंड गियर में है तो 45, थर्ड गियर 65, फोर्थ गियर 80, फिफ्थ गियर 90, 100, ओ यार, बस 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 बस, हिमालयन को भगाने का ना मजा ही कुछ और है गाइस, मजा ही कुछ और है, 411 सीसी का है, तो पावर तो इतना है ना, क्या बताओ आपको, पावर तो कूट कूट के भरा है इसमें, और कंफर्ट लेवल तो नेक्स्ट लेवल का है, तो इसे भगाने का मजा ही कुछ और है, और नया हैंडल बार लगा है और मजा आ रहा है भगाने के लिए, पहले के हैंडल बार थोड़ा हाइट था तो उतना मजा नहीं आता था भगाने के लिए, आता था बट लीन करने में थोड़ा तकलीफ होता था, बट ये वाला हैंडल जो बार है मस्त है, अंडर 500 है, मैंने लिया था हैंडल बार तेजपुर आसाम से,
अगर कोई तेजपुर आसाम से देख रहे तो हैंडल बार को ले सकते हैं, एनी मोटर्स करके शॉप का नाम है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर मुझे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। 500 का हैंडल बार है, आप दूसरी जगह ऑनलाइन पर देखोगे ना हैंडल बार तो वहाँ 2000-1500 से स्टार्टिंग है, तो ये 500 और 2000 का आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा लीन करके देखते हो, ठीक है, यहाँ पर मजा आ रहा है, भगाने में मजा आ रहा है बाइक को, थोड़ा कर्व है, पहले का थोड़ा हाइट था तो लीन करने में थोड़ा तकलीफ होता था, बट अभी मजा आ रहा है। यहाँ से राइट ले लेते हैं, आपको आगे जाके रुक के दिखाते हैं बाइक का लुक्स कैसा आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बूम बूम बूम। फाइनली भी हम लोग अपना टाइगर का लुक दिखाते हैं आपको, बहुत ही मस्त लग रहा है, आपको पहले दिखा दिया था, अभी दूर से आपको लुक दिखाते हैं कैसा लग रहा है। और ये है हमारा टाइगर, कुछ ऐसा लग रहा है, और इसका हैंडल बार आप देख सकते हो, बहुत ही मस्त है, राइड करने में मज़ा आ रहा है, और लुक थोड़ा चेंज हो गया आप देख सकते हो फ्रंट से, और हमने इंडिकेटर पीछे में लगाया है, आगे का नहीं लगाया, आगे का मतलब चेंज कर दिया हम लोग ने, जो पीछे का टूटा था वो आगे लगा दिया। तो अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं इंडिकेटर कैसा लग रहा है, तो कुछ इस तरह लग रहा है इंडिकेटर। और मैंने दूसरा वाला हैंडल पुराना वाला यहाँ पर रखा है, इसको भी ले जाएंगे घर पर, और ऐसा लुक आ रहा है, हैंडल बार मस्त है, कंफर्ट है चलाने में। कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया हो, पसंद आया तो एक लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ, बाय बाय। हाँ जी, कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे ही रहना यार। वेलकम बैक टू